So we are going live in 3, 2, 1. Assalamualaikum guys, I hope all of you are having a really good day. मेरा नाम उसामा ज़फ़र and welcome to another episode of Motivation Monday. तो भाई पिछली वीडियो में मुझे एक फीडबैक आया दोस्त का और काफ़ी अच्छा फीडबैक था कि जानी उर्दू में बात किया कर. तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर मैं बीच में मतलब थोड़ी बहुत वो अंग्रेज़ी मेरी निकल आती है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, पॉइंट आउट कर दीजिएगा. मैं बाकी मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा. और बहुत शुक्रिया इस फीडबैक का. आज हम बात करेंगे बड़ी सिंपल सी चीज़ के बारे में. आज कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा. आज मैं आपको मोटिवेशन दूंगा टू गेट सम रेस्ट. हमारी ज़िंदगी एक अजीब सी वो बनी हुई है, कश्मकश सी बनी हुई है. हम भाग रहे हैं, हम ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. ज़िंदगी में एक डेडलाइन है यार, 23 साल की उम्र तक मैंने इतने रुपए कमा लेने, 25 साल तक मैंने अपना घर बना लेना है, इसके बाद मैंने गाड़ी ले लेनी है, इसके बाद मैंने बिज़नेस कर लेना है, इसके बाद मैंने शादी कर लेनी है. एंड यू नो इस तरीके से लिस्ट चल रही. वो आज शाम को मैं बैठा हुआ यार चाय पी रहा था छत पे, एक बस छोटा सा रिचुअल है मेरा. और माइंड में ना 2 क्लास 3 क्लास में मैंने पढ़ी थी एक पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ गालिबन. तो उसकी स्टार्टिंग कुछ यूँ थी कि यार व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. तर्जुमा ये कि यार इस सारी खप का, इस ज़िंदगी का क्या मकसद है अगर हम 2 मिनट बैठ कर कहीं रुक कर इस ज़िंदगी के को इन्जॉय नहीं कर सकते, इस ज़िंदगी को देख नहीं सकते. उसके बाद आई थिंक अगले मिसरे में वो बात करता है, कहता है कि यार कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम बैठे और बस किसी एक जगह को देखते रहे और देखते रहे और देखते रहे, जैसे वो बैल या भेड़ें देख रही होती हैं और बस वो देख रही होती हैं. द पॉइंट वॉज के पॉइंट ये नहीं था कि देखो यार, मतलब आई गेट इट दैट्स ऑकवर्ड. ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मैं तुम लोग कह रहे हो चीज़ों को देखते रहा करो और देखते रहा करो. बात करने का मकसद ये है कि यार ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी अच्छी नहीं. अजीब सी बात है ना, एक तरफ मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं आपको कह रहा हूँ कि काम ना करो. मैं आपको अब टू क्लैरिफाई यार, मैं आपको ये बात नहीं कह रहा कि आप काम करना छोड़ दो, लेकिन काम और आराम साथ साथ चलने चाहिए. अगर उसामा अच्छा रेस्ट करेगा, उसामा की नींद पूरी होगी, तो उसामा एक्चुअली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी कर पाएगा. और आखिर में यार इतनी सारी खप का, इस मेहनत का क्या फ़ायदा है? इसका असल मकसद क्या है? आराम ही है ना, सुकून ही है. इतनी मेहनत आप रिस्क हासिल करने के लिए कर रहे हैं और आप खाने के टाइम पे खाना खाने के लिए नहीं बैठते तो क्या फ़ायदा? कभी आपने सोचा कितनी मज़े का एक कल्चर होता है बहुत सारे दुकानदारों में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, कि जब खाने का टाइम होता है वो बैठ खाना खा रहा होता है दुकानदार अमूमन, तो ग्राहक आ भी जाता है ना, तो वो ग्राहक को पूछते नहीं है या ग्राहक को इंतज़ार करने का कहते हैं, क्योंकि यार आखिर में असल मकसद था रिस्क हासिल करना, वो तो आराम से बंदा खाए. तो बजाय इसके कि रोज़ एक भाग दौड़ में लगे रहें, दिन में ना थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखें. वो सुबह का हो सकता है, वो शाम का हो सकता है. शाम का इसलिए आइडियल है क्योंकि यार शाम के टाइम गर्मी कम होती है, आप चाय पी सकते हो. अब चाय बनाना कौन सा कोई मुश्किल काम है, उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी कमेंट्स में डाल दूंगा. और बस एंजॉय करें ज़िंदगी को कि आप यहाँ हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप ज़िंदा हैं. आप यार इस चाय की कप को टेस्ट कर सकते हैं, कितनी बड़ी नेमत है यार, कभी सोचा इस बारे में? तो एक तरीके से आप शुक्र भी अता मतलब शुक्र कर रहे हैं उन नेमतों का, इस ज़िंदगी का, इस सारी चीज़ों का जो आपको मिली हैं. और दूसरी तरफ आप एक सुकून की तरफ अपना एक कदम यू नो बढ़ा रहे हैं. बड़ा कदम बढ़ाने से बड़ी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं, कंट्रोल करना पड़ता है. खैर उम्मीद है आप लोगों को आज की बात समझ आ गई हो. अगर समझ आई है, अगर मेरी उर्दू ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ी है तब भी मुझे बताइए. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, यू नो कोशिश करें घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और अपने सुकून का बहुत ख्याल रखें. बाकी मुझे यार कमेंट्स कर में बातचीत कर लिए करो, सब्सक्राइब कर दो तो क्या ही बात है, मतलब मज़ा आ जाएगा. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.